दोस्तों मैं आप सभी से बात कर रहा हूं सबसे बड़ी प्रॉफिट कमाने की तरकीब के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 10 रुपए लगा के बेशक आप करोड़पति ना बन पाए, बट अच्छी खासी थोड़ी मोड़ी इन्वेस्टमेंट करके आप सभी लखपति जरूर से यहाँ पे बन सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आप सभी से गेमिंग मेटावर्स या फिर मेटावर्स टोकन के बारे में, जो कि आजकल के मार्केट में बहुत ज्यादा नीचे आई है दोस्तों, और आप सभी के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कहाँ पे कौन सी प्रोजेक्ट को बाय करना है। साथ ही साथ अभी गेमिंग मेटावर्स प्रोजेक्ट में से कौन सी गेमिंग प्रोजेक्ट की अभी प्रीसेल चल रही है जहां पार्टिसिपेट कर सकते हैं, साथ ही साथ सीबाइनो जो गेमिंग मेटावर्स बनने वाली है उससे आपको कितना प्रॉफिट होगा, सब कुछ आज हम बात करेंगे मेटावर्स प्रोजेक्ट के बारे में, गेमिंग मेटावर्स प्रोजेक्ट के बारे में। क्योंकि आपको पता है मेटावर्स एक तरह से फ्यूचर है दोस्तों, और साथ ही साथ फेसबुक ने भी मेटावर्स को काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। और सबसे अमेजिंग चीज अगर हम इस वीडियो में देखें तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी मेटावर्स प्रोजेक्ट आपको सीएमसी पे देखने को मिल जाते हैं, सभी प्रोजेक्ट में अगर आप देखिएगा तो 30 से 40 से 50 से 60% की गिरावट आपको पिछले 7 दिन में देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनाती है कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके मेटावर्स प्रोजेक्ट में, जो कि 2022 में बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके देगी, तो एक अच्छा पोर्टफोलियो आप यहाँ से बिल्ड कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिकली दोस्तों आज आप सभी को सब कुछ दिखाने वाला हूँ। क्रिप्टो मार्केट में एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेटेजी को यूज करके आप अच्छी खासी इनकम बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ से एक क्वाइन को पिक करूं दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैं इंजन क्वाइन को पिक कर रहा हूँ, 23% ऑलरेडी पिछले 7 दिन में नीचे आ चुकी है, और इस प्रोजेक्ट की प्राइस दोस्तों 6 महीने पहले 50 रुपए के करीब थी, अभी अगर आप देखिएगा तो $2.22 के करीब इसकी प्राइसिंग चल रही है, जो कि 150 रुपए के लगभग ऊपर हो जाती है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो पिछले 3 महीने में इस प्रोजेक्ट ने क्या कमाल किया है, किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है और कहाँ पे इस प्रोजेक्ट को बाय करना चाहिए, ये सब कुछ हम आपको प्रैक्टिकली बताने वाले हैं। अगर इसकी ग्रोथ की आप बात कीजिएगा दोस्तों, तो देख सकते हैं $1.5 से सीधे इस प्रोजेक्ट ने जो पीक बनाया है $4.6 का बनाया है, मतलब आपके पैसे दुगने तिनगुने हो चुके हैं गेमिंग मेटावर्स प्रोजेक्ट्स पे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो भी बाइंग बताने वाला हूँ उस पर आपको खुद की रिसर्च करके बाइंग करनी है, और जो भी प्रीसेल प्रोजेक्ट बताऊंगा दोस्तों वहां पे रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है, तो फिर बाद में मत कहिए कि भैया आपके कहने पे बाय किया था, अपनी खुद की रिसर्च करनी है तभी बाइंग करनी है, क्योंकि नए प्रोजेक्ट में पुराने प्रोजेक्ट से ज्यादा रिस्क होता है। तो अगर आप यहाँ पे जितने सारे क्वाइन देखने को मिल रहे हैं आपको, अगर इन सारे क्वाइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क थोड़ा कम रहता है दोस्तों, लेकिन जो नए टोकन होते हैं वहां पे रिस्क ज्यादा रहता है, ये मैं क्लियरली आपको वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो ढेर सारे मेटावर्स प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, बट सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कौन सी जो नई टोकन है आपको गेमिंग मेटावर्स में देखने को मिल रही अभी के लिए दोस्तों। तो सबसे पहले आपको रेवोल्यूशन गेम्स देखने को मिल जाती है, जो कि टेरालिटी की तरफ से आने वाली एक प्रोजेक्ट है दोस्तों, जिसकी प्रीसेल खत्म हो चुकी है और अब आपके पास मौका नहीं है प्रीसेल में पार्टिसिपेट करने का, इनकी शायद से आईओ आने वाली है जहां से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एक दूसरी टोकन जो अपने आपको मेटावर्स गेमिंग प्रोजेक्ट करके क्लेम करती है, यह है एप्पल बाइट टोकन दोस्तों, जिसकी अभी प्रीसेल चल रही है, जिसकी जानकारी आप यहाँ वेबसाइट पे आके ले सकते हैं, और प्रीसेल के रिगार्डिंग भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है, मतलब 1 से लेकर 2 जनवरी तक, 7 से 11 जनवरी तक, 11 से 16 जनवरी तक, इस तरह से आपको प्राइसिंग में डिक्रीज देखने को मिल रहा है दोस्तों, प्राइसिंग इंक्रीज होते जा रही है जैसे जैसे आप फेजेस चेंज कर रहे हैं। तो और भी ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ओवरऑल वेबसाइट में क्या कुछ डाला गया है दोस्तों, और साथ ही साथ गेमिंग का पूरा थीम यहाँ पे अपडेट किया गया है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें अगली प्रोजेक्ट की, तो भैया यहाँ पे सीबाइनो जो कि जानी मानी प्रोजेक्ट है, अच्छी खासी प्रोजेक्ट है, इसके रिगार्डिंग भी अगर आप देखें यहाँ पे तो सीबाइनो भी जो है अपनी गेमिंग पे काम करने वाली है, और बहुत ज्यादा क्लेम्स निकल के आ रहे हैं कि सीबाइनो भी एक मेटावर्स प्रोजेक्ट बन सकती है आने वाले समय में। तो भैया सीबाइनो के गेमिंग मेटावर्स अगर बनती है तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीबाइनो के बारे में तो आप जानते हैं भैया, इसकी जो गेम है लॉन्च एक्सपेक्टेड है 2023 में, बट बहुत सारी अपडेट जो आने वाली है वो अभी आने वाली है 2022 में, और अगर सीबाइनो मेटावर्स प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है तो इससे ज्यादा प्रॉफिट मुझे नहीं लगता कोई प्रोजेक्ट आपको निकाल के देने वाली है। साथ ही साथ अगर मैंने आपको 2 प्रीसेल प्रोजेक्ट बताया जो कि चल रही है, जिसकी अभी प्रीसेल, बट बाइंग के रिगार्डिंग फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आप बाई कर रहे हैं तो अपने रिस्क पे कीजिएगा, मेरे कहने पे बाइंग करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि नए टोकन में बहुत ज्यादा रिस्क होती है, मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर हम सीबा की बात करें तो सीबा पे भी अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो अपनी रिस्क कैपेसिटी को एनालाइज करके बाइंग कीजिए, क्योंकि दोस्तों अभी सीबा इनो की जो कम्युनिटी है थोड़ा नाराज चल रही है, बट बहुत ज्यादा चांसेस है कि फरवरी तक जो है एक रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है सीबा इनो में, और बहुत सारी गेमिंग की जो अपडेट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है सीबा की तरफ से,
जो कि प्रैक्टिकली आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट पहुंचा सकती है आने वाले समय में, क्योंकि अगर मेटावर्स का कॉन्सेप्ट सिबा पे आएगा, क्योंकि सिबा एक ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा हाइप प्रोजेक्ट है पूरी क्रिप्टो मार्केट में। अगर सबसे ज्यादा नाम किसी प्रोजेक्ट की है दोस्तों बिटकॉइन के बाद, अभी बिटकॉइन को भी सिबा ने ट्विटर पे पछाड़ दिया था, मोस्ट सर्च में पछाड़ दिया था, मतलब लोग बिटकॉइन से ज्यादा सिबा के बारे में सर्च कर रहे हैं। और जब नए इन्वेस्टर आएंगे तो नए इन्वेस्टर्स को भी सिबा इनो ही सुनने को मिलने वाली है। तो सिबा इनो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो 2022 और 2023 में अपनी मेटावर्स प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर कर सकती है और काफी आगे निकल सकती है। और अब अगर हम आ जाए टॉप मेटावर्स प्रोजेक्ट में, जो कि क्रिप्टो मार्केट के टॉप प्रोजेक्ट्स है, जिसे मैं मानता हूं दोस्तों, तो यहाँ पे आप माना को देख सकते हैं, एएक्सएस को देख सकते हैं, सैंड को देख सकते हैं, ये सारे जाने माने मेटावर्स प्रोजेक्ट है जिसमें रिस्क एज कम्पेयर टू न्यू प्रोजेक्ट काफी कम होता है। और यहाँ पे प्रॉफिट भी बेसिक सी बात है दोस्तों कम होती है, लेकिन यहाँ पे रिस्क कम रहता है और प्रॉफिट आपको कैपिटलाइज करके ज्यादा देखने को मिल जाती है अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में आप देखिएगा। जैसे अगर आपने इंजन को पकड़ लिया दोस्तों, मेरी वन ऑफ द फेवरेट मेटावर्स कॉइन है दोस्तों, अगर मैं बात करूं इंजन की, तो इसे मैंने लगभग ₹60 के करीब परचेस किया था दोस्तों और ऑल टाइम हाई के थोड़ा सा नीचे बेचा दोस्तों। बहुत धमाकेदार प्रोजेक्ट है इंजन, और इंजन अगर आपको लोअर प्राइस में देखने को मिल जाती, मान लीजिए दोस्तों ये आपको $1.5 से लेकर $2 के बीच अगर देखने को मिल रही है आपको इंजन, तो बेस्ट बाइंग टाइम होगा इंजन के लिए। मैं वेट कर रहा हूँ, लगभग इंजन यहाँ से अगर 10% 20% और नीचे आती है तो बहुत ज्यादा मुनाफे वाली प्रोजेक्ट होगी इंजन दोस्तों। इंजन पे बेस्ट बाइंग आप लगा लीजिए, क्योंकि इंजन की जो ग्रोथ के चांसेस है 2022 में बहुत ज्यादा बढ़े हुए है। माना एक बहुत ही गजब की प्रोजेक्ट है दोस्तों, और डिसेंटरलैंड के नाम से भी आप इसे जानते हैं, जिसे अगर आप बाई करते हैं $2 के नीचे, मतलब यहाँ से लगभग और अगर 30-40% ये प्रोजेक्ट नीचे आती है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जहाँ की आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट आने वाले समय में हो सकता है। सैंड भी बहुत अच्छी प्रोजेक्ट है, 23% ऑलरेडी नीचे चल रही है, बट अगर इसके ग्राफ को देखें दोस्तों तो प्रोजेक्ट काफी ज्यादा ऊपर भी आई थी। लेकिन दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर ये आपको $3.5 में देखने को मिल जाए तो बहुत कमाल की बैंक रहने वाली है। तो अगर मार्केट जनवरी के महीने में थोड़ा और डिप करेगी तो भैया आपको बहुत गजब की प्रोजेक्ट प्रॉफिट आपको यहाँ पे सैंड जनरेट करके दे सकती है, क्योंकि पिछले 3 महीने में अगर आप सैंड की ग्रोथ को देखिएगा दोस्तों तो अनइमेजिनेबल ग्रोथ है यहाँ पे। अगर आप 3 महीने में इसकी ग्रोथ देखिएगा तो भैया $1 से नीचे इसकी प्राइसिंग थी, और अभी सैंड की जो प्राइसिंग चल रही है वो लगभग $4.47 के करीब चल रही है, लगभग 4 गुना आपके पैसे इस प्रोजेक्ट ने लॉस में जनरेट करके दिए हैं। तो प्रॉफिट के समय सोच सकते हैं दोस्तों लगभग 10 गुना 7 गुना 6 गुना की प्रॉफिट इस प्रोजेक्ट ने जनरेट करके आपको दिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मेटावर्स प्रोजेक्ट की क्या पोटेंशियल है और कितनी तेजी से ये सारे प्रोजेक्ट आगे निकल सकते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है दोस्तों कि आप मेटावर्स प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर मेरी बात करें तो मैंने दोस्तों सैंड पे और पिछले दोस्तों इंजन पे इन्वेस्टमेंट पहले से कर रखी है, और एक बार फिर से इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है 2022 और 2023 जो है गेमिंग मेटावर्स प्रोजेक्ट के नाम पे रहने वाला है, जो कि कमाल के रिटर्न हमें आने वाले समय में जनरेट करके देख सकते हैं। बाकी आप सभी क्या सोचते हैं वीडियो के बारे में जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्रिप्टो अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइज और लॉसेस बिल्कुल ना हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो माय डियर फ्रेंड्स।